एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ चैप्टर नंबर 12 सुनीता की पहिया कुर्सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सुनीता की पहिया कुर्सी। सुनीता सुबह 7 बजे उठी। सुनीता 8 बजे सोकर उठी थी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही, मतलब कि कुछ देर अपन जैसे उठ के नहीं बैठे तो अपन को सोचते हैं तो अपन बिस्तर पर बैठे नहीं रहते, अपन सो के उठते हैं तो एकदम उठेगा बन नहीं कहता है, तो वह भी वहीं पर बैठी थी। ये सोच रही थी क्या सोच रही थी आप बता रहे हैं इसकी। आज उसे क्या क्या काम करना है। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आँखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेली बाजार जाने वाली थी। वो जो सुनीता थी वो आज 7 बजे उठी थी और वो बिस्तर पर बैठ के बैठे सोच रही थी आज मुझे क्या क्या काम करना है। तो उसको एकदम याद आया कि तो वो सोच रही थी कि आज मुझे क्या क्या काम करना है। फिर उसे याद आया कि आज तो मुझे बाजार जाना है। तो ये सोच के उसकी आंखों में मतलब कि खुशी टाइप की जला गई क्योंकि अकेली आज सुनीता जाएगी बाजार। उसने अपनी पाँव को हाथों से पकड़कर खींचा और उन्हें अंग पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग से तैयार लेती हुई अपने पहला कुर्सी पहिया कुर्सी तक ओ की ओर लटकाई। क्योंकि फिर उसने पहिया जा रही थी पास में पलंग के, तो उसने पहिया गाड़ी तक अपना हम लोग भी पाँव लटकाई। सुनीता चल फिर नहीं पहिया गाड़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती थी। आज वह सभी काम तुरंत से निपटाना चाहती थी। आज वो सभी काम निपटा कर जल्दी जाना चाहती थी। हल्दी कपड़े बदलने जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोजीना के काम उस करने के लिए उसने तरकीब कोई निकाल ली सबके लिए। तो
आठ बजे तक सुनीता नहा धुलकर तैयार हो गई। माँ ने ब्रेंच पर नाश्ता लगा दिया था। मैंने जो होती है टेबल होती है ना कुर्सी, जो टेबल के ऊपर अपन बैठते हैं और खाते हैं, तो उसके ऊपर माँ ने उसका खाना लगा नाश्ता लगा दिया था। और माँ उसने फिर बोला, माँ अचार की बन्नी पड़ी पकड़ना सुनीता ने कहा। माँ मुझे अचार की बन्नी पकड़ाना सुनीता ने कहा। जी सुनीता ने कहा था, माँ मुझे अचार की बन्नी पकड़ा दो, लोग बन्नी दे दो। मतलब अच्छा मारी अलमारी में रखा है, अलमारी में मतलब जैसे अलमारी में रखा है। ले लो, माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ते करने में उसने पूछा, माँ बाजार से क्या क्या लाना है? 1 किलो चीनी लानी है। तो उसने बैठी थी तो खा नाश्ता करते करते उसने बोला, आज मैं नाश्ते मतलब कि आज बाजार से क्या लाना है माँ? तो उसने बोला 1 किलो शक्कर मतलब चीनी, शुगर जिसकी। तो पर क्या तुम अकेली जाऊंगी? ओके, तो क्या तुम अकेली बाहर जाऊंगी? तो पक्का जाऊंगी, पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी माँ ने बोला, 1 किलो चीनी लेके आनी है। और फिर से पूछा, क्या तुम अकेली बाहर जा सकूंगी पक्का? तो उसने बोला, पक्का मम्मी, मुस्कुरा के उसने कहा, पक्का। सुनीता ने माँ से थैला और रुपए लिए, अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर बाजार की ओर चला दी। सुनीता को सड़क में जिन्हें देखने पर मज़ा आता था। सुनीता तो जी मतलब जो संसार होता है, जो शहर महर होते हैं उनको देखने में सुनीता को मतलब संसार बहुत मज़ा आता था। चुटकी आज छोटी, क्योंकि आज छोटी छुट्टी है, इसलिए हर जहां बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता सब थोड़ी देर रुककर उन्हें रास्ते कुदरती हुई गेंद मतलब कि जो खाड़ी रुक के एक घूमती हुई गेंद आई मतलब देखी उसने देखती गेंद खेलते देखती है वह थोड़ी दुखी हो गई मतलब कि जो गेंद खेलते हुए बच्चे खेल रहे थे तो उसको भी खेलने का मन हो रहा था तो वो गेंद की देख के थोड़ा दुखी हुई, उदास हो चुकी थी।
वे भी उन्हें बच्चों उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। वे भी जो थी सभी बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। जी सकी कि माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर देखने लगे। मतलब कि एक कोई बच्ची थी तो उसको उसकी माँ वापस लेने आई थी पार्क से, तो उन दोनों की नज़र पड़ी लड़की में। फिर उसने वो दोनों टुकुर देखने लगे, मतलब घूर घूर के देखने लगी। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा और उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू बोलकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कोई लोग सभी लोग तो सुनीता की ओर देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानते तक नहीं थी पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, यह सब लोग मेरी तरफ घूर भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। तो देखा खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता की सुनीता को कपड़ों की दुकान पर सामने खड़ी मिली। मतलब कि जो सुनीता की वो थी दोस्त वो सुनीता की दोबारा जहाँ पे सुनीता थी उन दोनों की दोबारा से वहाँ पे मुलाकात हुई, यहाँ पे कपड़े की दुकान में समय खड़ी मिली। मतलब कि उन दोनों को सामने खड़े खड़े मिले। उसने उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। तुम्हारे पास यह अभी अजीब सी चीज क्या है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा। जो वो लड़की थी ये थी सुनीता, तो उसने पूछा ये तुम्हारे पास क्या है अजीब सी पहिया गाड़ी जैसे? तो उसने देखिए जवाब क्या दिया, यह बस एक सूट है। सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उसकी उस लड़की की माँ ने गुस्से से आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। मतलब कि इतने में वो जवाब लेने वाली थी सुनीता, तो उस लड़की को उसकी माँ ने उसे दूर कर दिया। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फदीरा। फरीदा जो लड़की है ना, इसका पता फरीदा नाम था।
तो फरीदा ने सब इस तरह का जवाब नहीं पूछना चाहिए। अच्छा नहीं लगता लगता माँ ने कहा। अच्छा नहीं लगता माँ ने कहा। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। तब सुनीता ने दुखी होकर कहा। उस फरीदा की माँ का बाया बाहर समझ में नहीं आया। तो अंत में सुनीता बाजार पहुँच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था। आसपास के सभी लोग जल्दी में थे। किसी ने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया। अचानक उस जैसे लड़के को छोटे छोटे कहकर चिढ़ा जा रहा था। वे उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैं अमित हूँ। उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने रास की सांस ली और मुस्कुराकर बोली। पीछे से पैंडल पर पाँव से तेज दबा दो। तो हाँ हाँ जरूर कहते हुए तो अमित ने पहिया कुर्सी की टीका करने उसे अगले पहियों से पहली सीढ़ी पर चढ़ा। फिर उसने पिछली पहियों से भी ऊपर चढ़ाया। मतलब उसने पहले दूसरे पहियों से इससे ऊपर चढ़ा दिया। दुकान से दो ही पहिए थे दुकान में। तो सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब तुम खुद पहुंचा कर जा सकते हो। धन्यवाद कहा उसने और कहा, अब तुम अपनी मतलब तुमने मेरे को दुकान तक पहुंचा दिया और तो अब तुम जा सकते हो। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो शक्कर मांगी।
दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैले पकड़ाने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैले उसकी गोदी में रख दी। सुनीता ने गुस्से में कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपना काम सामान ले सकती हूँ। मैं भी दूसरों की तरह अपना सामान खुद ले सकती हूँ, उसने कह दिया गुस्से में। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल समझ नहीं लगा, मतलब इसको जो दुकानदार का व्यवहार था उसे वो अच्छा नहीं लगा। जब मैं चीनी निकाल कर सुनीता और अमित बाहर निकले, मतलब चीनी लेके सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसे व्यवहार करते हैं, लोग मेरे संग ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, उसने पूछा। जैसे कि मैं कोई अजीब गरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। शायद तुम्हें पाया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। पर इस कुर्सी से बोला कैसे क्या सकता खास बात है, मतलब इस कुर्सी में ऐसा क्या है, उसने मैं से पूछा। तो उसने बताया, तो मैं तो बचपन से, मतलब इस कुर्सी पे तुम कब से बैठे हैं, उसने ये पूछा। मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो, मैं पाँव से चल ही नहीं सकती, इस पहिया गाड़ी थोड़ी आसान कर लो, इस पहिया कुर्सी से पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ, मैं पहियों को घुमा के ही चल फिर पाती हूँ। इस पहिया कुर्सी तो पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, उसने सवाल किया। जब सुनीता ने ही कहा था, फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। अमित ने अपना सिर ना मैं फीरा हिलाया और कहा फिलाया और कहा हिलाया और कहा मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ
जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरों बच्चों से अलग हूँ। इस तरह तुम भी अलग हो। सुनीता ने कहा, नहीं सब लोगों हम दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर नाम में हिलाया और कहा कि देखो तुम पैया कुर्सी पे बैठकर चलती हो, मैं आधा दो छोटा हूँ। मेरा आधा छोटा मतलब कद होता है वो हाइट देखो मेरी छोटी है, तुम देख लो तुम पहिया गाड़ी पे चलती हो। तो हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपने पहिया कुर्सी आगे और खिसकाई। अमित भी उसके साथ चलने लगा। सड़क पर जाते समय सुनीता को फरिंदा नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित छट से सुनीता की पहिया गाड़ी के पीछे उठा गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर जब सवारी होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरिंदा भी उनके साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु तब सुनीता तो उसकी बराबर नहीं थी। सुनीता को उसके बराबर नहीं थी, मतलब सुनीता जो थी किसी के बराबर नहीं थी। तो यहाँ पे स्टोरी है जो फिनिश हो चुकी है। तो यहाँ पे स्टोरी फिनिश। आपको तो थैंक यू, लव यू कहानी से मैं भी ऐसे ही कर सकती हूँ। तो यहाँ पे ये स्टोरी फिनिश हो रही है। बाय बाय, लव यू। तो ये फिर स्टोरी तो फिनिश हो चुकी है आपको। तो बाय बाय, थैंक यू, लव यू, सी दिस वीडियो।